बिस्मिल्लाह, अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ, पाकिस्तान में नहीं बल्कि अबूधाबी में बैठ के। अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ एयरपोर्ट और मैंने सोचा मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग अपडेट कर दूँ। तो जा रही हूँ मैं बैक होम अपने वापसी लंदन। मेरा पूरा व्लॉग ट्रैवल देखने के लिए पाकिस्तान टू अबूधाबी और अबूधाबी से लंदन, आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको फुल व्लॉग, फुल ट्रैवल व्लॉग, जो जो मैंने किया अपने रास्ते में, आपको सब कुछ ज़रूर ज़रूर मैं अपने जो है वो अपना व्लॉग अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी आप मेरा व्लॉग आए तो आप मेरे व्लॉग्स को ज़रूर इन्जॉय कर सकें। अभी मैं बैठी हुई हूँ एयरपोर्ट पे, वेटिंग कर रही हूँ अपनी फ्लाइट का। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा रश है। और अभी मेरी जो फ़्लाइट लैंड हुई थी यहाँ पे 8 बजे सुबह हुई थी, 7 बजे, और 8 घंटे का स्टे था। तो अभी मैं फुल थक गई हूँ, मेरे बैग पैक किया, यहाँ पे मैंने कुछ खाया पिया, जो भी किया मैंने, व्लॉग मैंने बनाया है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी थोड़ी देर तक मैं अपने जो है इंशाल्लाह चली जाऊंगी प्लेन में थोड़ी देर तक। तो इसको मैं रख लेती हूँ अपने बैग के अंदर। तो मैं पहन के आई थी अबाया, क्योंकि अबाया में मैं ट्रैवल जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, और वैसे भी इजी रहता है ट्रैवल करने के लिए। आप जैसे मर्ज़ी उठे बैठे सोएं भी, तो वो अबाया पहना होता तो बिल्कुल भी वो फिक्र नहीं रहती कपड़ों की। और साथ में यानी मैंने शूज़ पहने हैं, इस तरह के शूज़ों में ट्रैवल करना हो, अगर आपकी लॉन्ग फ्लाइट हो, लंबी फ़्लाइटें हों, तो इस तरह के शूज़ जो हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो लंदन में हो रही है बहुत ज़्यादा सर्दी, तो गर्म सूट मैंने पहना था नीचे और ऊपर से अबाया पहन लिया था। तो वहाँ पे फिर जो है मुझे थोड़ा होगा, और प्लेन में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ये मैंने जर्सी ली थी पाकिस्तान से, बिल्कुल न्यू। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे जर्सी ले कर दी थी, तो मैंने कि बेटा ये साथ ले जाओ, तो ये रास्ते में पहले ना अगर सर्दी वगैरह लगी तो। ये देखिए, ये मैंने जर्सी ली थी तकरीबन 5,000 कह रहा था, तो मैंने 4,000 रुपये की जर्सी ली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसकी सारी पॉकेट्स हैं, लॉन्ग जर्सी, इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। तो मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं ज़रूर अम्मी मेरे लिए शॉपिंग कर देती हैं, और मैं मतलब हम दोनों मिलकर ना, मैं और अम्मी अपने सारी शॉपिंग कर लेते हैं, अपने कपड़ों की, अपने जूतों की, और जो जो मुझे चाहिए होता है मौसम के हिसाब से लंदन, तो वो मैं साथ ले लेती हूँ बैग में। तो साथ मैंने 2 बैग कैरी की हैं, एक ही मेरा पर्स है और एक ही मेरा बैकपैक है। तो सामान जो है मेरे हैंड कैरी और मेरे लगेजेस दोनों मैंने बुक करवा दिए थे, तो वो कह रहा था कि आप ये जो है वो साथ ले जाइए। इसको मैं बुक नहीं करवा सकती क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए मतलब मुझे चाहिए थी रास्ते में, कुछ मेकअप था और इसमें कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो इसलिए मैंने ये मैंने बैग में पर्स है। और इसमें जो है वो मैंने चार्जर, ये मेकअप बैग है, और मैंने साथ में जो सूट पहना उसका मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। और इस तरह से मेरे जो है जो ड्यूटी सामान है इसमें, मेरे बैकपैक में क्या पैक किया था ये मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है कि मेरे ट्रैवल बैग में मैंने क्या पैक किया, तो जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। अगर फिर भी आप चाह रहे हैं कि मेरे बैग में क्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। जब भी आपकी लॉन्ग फ्लाइट हो ना, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा हो टाइम फ्लाइट में वेट, मतलब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और फ्लाइट बहुत लंबी है, जैसे मेरी 8 घंटे की फ़्लाइट थी, तो अभी जैसे अनाउंसमेंट हो रही है अभी मेरी फ़्लाइट की, अच्छा, तो फ़्लाइट जब लंबी हो ना, तो फिर ऐसा किया करें कि अपने मोबाइल में, आईपैड में, जो भी आप कैरी कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ डाउनलोड कर लें, जिससे ना आप इजी फील करें और आपका दिल लगा रहे, ख़ासकर जब आप अकेले होते हैं। वरना आप माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ें और थोड़ी तस्बीह हाथ करें, और
इस तरह से आपका टाइम भी जो है अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आपको फ्री वाईफाई की कनेक्टिविटी ज़रूर मिल जाएगी। अभी जैसे मैं अबू धाबी में हूँ तो वहाँ पे मुझे जो है वाईफाई की सहूलत थी। जब से मैं आई हूँ वाईफाई यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारा मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया और बहुत मज़ा आया। 8 घंटे फटाफट बीत गए, पता भी नहीं चला। सोई भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो चलें जी, आप मेरी वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मैं लंदन जाके ज़रूर मैं अपना ब्लॉग अपलोड करूँगी। और मेरी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।